हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत वालेकुम अस्सलाम। फारिस कादरी। हेलो बोलिए। हेलो खैरियत, क्या मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग वायरल कर दिए? से पहली बात, मेरे पास में इतना टाइम रहता नहीं है, और ये पूरा मेरा डाटा, मैं बोला पहले स्टेटमेंट दिया। हेलो, हाँ बोलो बोलो। लड़की का भी रिकॉर्डिंग, पूरा डाटा किसी ने लीक किया, जीमेल हैक है या मेरा पर्सनल या कोई वो हो रहा है, अरे या हाँ मीडिया घूम भाई, तो गया है एक यार। बात बोल रहा हूँ मैं, फिरोज अरे खान की यारो रिकॉर्डिंग सुनो वायरल सुनो हुई। सुनो, ओए यारो सुनो यारो, पहले तुम बोलो पुकारा बोलो ना, यारो सुनो बोलो यार। बोलो। मीडिया जोन जहाँ से ये रिलीज हो रहा है ना, उस पे जाके केस बुक कराओ एक पीएस पे। मैं कहीं को केस बुक कराऊं? तुम बोले ना, तुम जाते हो बोल के पुलिस कंप्लेंट देते हो बोले ना कर तुम। दिया मैं ऑलरेडी, ऑलरेडी मैं कर दिया, यहाँ से हो रहा वहां से करो, उसको मिल रहा अच्छा कहाँ एक से, बात सब पूछ रहा हूँ मैं, तुम मेरे को हेल्प रखो करे यार भाई। हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद इमरान, जैसा कि आप सब जानते हैं, फारिस खादरी की और मेरी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। दरअसल वो 2020 की कॉल रिकॉर्डिंग है जो अब वायरल कर रहा है मेरी इमेज डैमेज करने के लिए। और कल भी फेरोज भाई की भी ओल्ड रिकॉर्डिंग उस्मान नगर के ताल्लुक से 2020 की वायरल करा इन्हें। इस वायरल करने का इसका मकसद ये है कि कल एक नागपुर से एक जना मेरे को कॉल करा था, 1% करके नागपुर नरेंद्र नगर में कुछ बारिश से कुछ उनको मसाइल पेश आ रहे थे, उसके लिए आवाज उठाइए बोल के। तो मैं उसमें वो ये बोला था फारिस खादरी है वहां पर, उनको बोलो बोले। तो उन्हें वो बोला था फारिस खादरी को कॉल करते कॉल रिसीव नहीं करता, फारिस खादरी कुछ भी नहीं करता बोल के ये बोले उन्होंने। तो उसमें फारिस खादरी की जल गई, तो मेरी ओल्ड रिकॉर्डिंग 2020 की अब वायरल कर रहा है। ये वायरल करने का मकसद इसका ये है कि मेरी इमेज डैमेज करना बोल के। तो इससे पहले तो इसकी औकात नहीं है 1 रुपया किसी की मदद करे सर की, जिंदगी में भी किसी की मदद नहीं कराऊंगा। ये कौवा कौवा बिरयानी साला जो मेरी मदद करेगा, बस 2000 अक्टूबर में 20 मई से दोस्ती हुई थी जब हैदराबाद में फ्लड आया था, तो इन्हें सब हैदराबाद के भाईजानों को याद करा था इन्हें। तो वो एक भाईजान मैं भी हूँ, मेरे को भी मेरे से भी दोस्ती हुई थी इसकी साले की, ये साले की। तो दोस्ती में हम लोगों की बातचीत होती थी, तो उसमें जब हमारी काला पत्थर में लड़ाई हुई थी, तो मैं इसको एक लड़ाई की बात, हम इस ये लड़ाई में मैं जरा परेशान हूँ, पैसों के लिए परेशान हूँ बल्कि ये बात करा था इससे, व्हाट्सएप पे करा था फर्स्ट, तो सेकंड कॉल पे बात करा था। तो किसी से हेल्प करा सकते क्या बल्कि कॉल पे बात करा था। तो कॉल रिकॉर्डिंग अब वायरल कर रहा है इन्हें, क्योंकि अब इसके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने का। वो पुट्टी से बात करा तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई। तो अब फेरोज खान की ओल्ड रिकॉर्डिंग, फेरोज भाई की ओल्ड रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया, मेरी ओल्ड रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया, मेरी ओल्ड रिकॉर्डिंग ये वायरल करा के मदद में पूछा बल्कि। अरे फारिस चूतिए, मैं तेरे को एक बोलूंगा, तू मदद करे सर का अरे किसी की, तू आया एक 200 रुपए की टिकट में आया तू ट्रेन की, वो भी दिया कि नहीं दिया कि साले तू। और जो ऑटो में फिरा तू, वो ऑटो के 400 रुपए बाकी है जो हेलमेट लगा के फिर रहा था, एक हेलमेट भी तू एक गाड़ी पे की मार दिया तू, वो भी सीसीटीवी में आ गया तेरा, हेलमेट चोरी कर लिया तू, एक हेलमेट चोरी कर लेके ऑटो में बैठ गया, ऑटो वाले का किराया भी नहीं दिया। फिर जलपल्ली में गया तू, जलपल्ली में जाके बिरयानी खाने की तो औकात नहीं है तेरी हैदराबाद की, तो सागपुरी खा के वहां पे फारिस खादरी हूँ मैं बल्कि बोला। तो उन्हें भी कोई भी हूंगा तू पैसे दे बल्कि पैसे ले लिया। और तू जो उस्मान नगर का दौरा करा बोल रहा, अरे चूतिए वो उस्मान नगर का दौरा नहीं बोलते उसको, बारिश पड़ी तो हमारे बच्चे तो भी पानी में खेल लेते, अच्छा तो तू दौरा करा बोलता रे वो 1 मिनट को, तू खाली आवाम को गुमराह कर रहा और आवाम को बोल रहा कि ये ओल्ड रिकॉर्डिंग बेच के क्या मैं परेशान हूँ। तो मैं हैदराबाद के मेरे को सब लोग कॉल कर रहे हैं, MIM के वर्कर्स भी करे और दूसरे चाहने वाले भी करे, भाई आप परेशान है क्या बोल के। तो भाई मैं परेशान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून में सही सलामत अपने एरिया में जी हूँ मैं। ये एक फितना फैला रहा है, ये MIM की हमारे भी जो भी था वो सब खत्म हो गया, उन्होंने उनकी जगह, हम हमारी जगह है और हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। और ये साले की औकात नहीं है किसी की हेल्प करने की, बस ये रिकॉर्डिंग वायरल कराए ने, वो भी साला मेरे से बात करके कॉल रिकॉर्डिंग करके वायरल ओल्ड रिकॉर्डिंग वायरल अब कर रहा। तो मैं यही बोलूंगा भाई ये साला भड़वा है, इसको कल तक क्या, कई महीने पहले इसको मैं ही सपोर्ट करता था, जब से इसकी असलियत मालूम हुई उसके बाद से मैं भी सपोर्ट नहीं कर रहे इसको, ना आसिफ भाई है हमारे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं कर रहे,
बहुत सारे लोग है इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये भड़वा है, किसी के लिए नहीं, बस ये लोगों से जो सवालात करता था इन्हें पैसे लेके सवालात करता है इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पे सवाल करा था, इसलिए मैं, मेरे पे मुसीबत भी आई तो मैं अपने वालदा के साथ उनसे भी पुलिस स्टेशन गया, सही सलामत गया, सही सलामत वापस आया। मैं लोग बोल लिए ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ भाई, सही सलामत मैं वापस आया और ना कोई जेल को गया, मैं हक पे था मैं और इंशाल्लाह हमेशा हक पे रहूंगा। बस ऐसे भड़वे जो नागपुर का है ने जो फितना फैला रहा, चूतिया जो लोगों को बेवकूफ बना रहा, अगर तेरे पास दम है तो जो MIM के हैदराबाद के साथ MLA को ये कॉल करा ना, तू नागपुर में जितने भी MLA छोड़ दे, सिर्फ 5 MLA को तू कॉल करके सवाल कर ले, का तेरा नागपुर का रे सिंगापुर है, का तेरी अम्मा के महर में आज वहां सवाल नहीं कर रहा तू। वैसे तो तेरी अम्मा मराठी है, मालूम है माँ को। अगर तू एक बाप की औलाद है, निजामुद्दीन खादरी की औलाद है तू, तो नागपुर में सवाल कर ले तू, तो मान लूंगा तू एक बाप की औलाद है। देख मेरी MIM से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं असद साहब का भी वोटर हूँ, मौजम खान साहब का भी वोटर हूँ और हमारे एरिया कॉरपोरेटर खादर भाई है उनका भी वोटर हूँ। बस जो हुआ था हमारे बीच वो खत्म भी होगा, बस तुम जैसे साले इमरान परेशान है, पैसे मांग रहा बोल के ओल्ड रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे, मैं परेशान होते भी नहीं रहे, हम ना हक पे रहते रहे चूती है। तो लोगों को बेवकूफ बना रहा मैं हैदराबाद के, इसको जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको भी बोलूंगा भाई अब इसकी गेम फिनिश करो, आपको MIM से सवाल करना है तो आप वोटर है MIM से भी सवाल करो, आपके एरिया में कौन से भी पार्टी से कोई भी ताल्लुक रखता होगा लीडर उससे भी सवाल करो आप, MIM बोल के नहीं, अपना हक है सवाल करना, आप सवाल करिए, तरीके से करिए सवाल। बस आपको यही बोलूंगा मैं, इन्हें फितना फैला रहा ओल्ड रिकॉर्डिंग ये करके इमेज डैमेज करने के से, पहले तो साले तेरी फिरोज खान साहब को जो ओल्ड रिकॉर्डिंग वायरल करा, तेरी औकात नहीं है उनसे बात करने की, जो उनसे साले तेरे को क्या आता रे पढ़ने लिखले, जो दूसरों को सवाल करता तू, रंगा रेड्डी को रंडा रेड्डी बोल रहा तू साले, पहले सीख ले पढ़ना पहले उसके बाद में सवाल कर। साले तू मैं कुछ बोल रहा था ना, तेरी 2 दिन पहले वो बच्ची से बात करी तो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, तो इमरान भाई मेरी इज्जत बचा लो, एक प्री प्लानिंग कॉल करो बोले तो मैं नहीं करता हूँ बोले तो वो हो गया था। फिर ये नागपुर का बच्चा कॉल करते कि ये एक जल गई तेरी, तो मेरी ओल्ड रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया। लेकिन बेटा हम हैदराबादियों की इमेज डैमेज नहीं होती, हैदराबादियों का सिर्फ नाम, हैदराबाद नाम ही काफी है रे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम हैदराबाद में रहते ना, पूरी दुनिया में सिर्फ हैदराबाद बोले तो नाम ही काफी है हमारा सुना, तो हमारी इमेज डैमेज कर भी नहीं सकता बेटा तू, तेरी औकात में रह तू साले तू। तेरा फोन खराब हुआ था याद है ना, देखो 50 दिन तेरा फोन बंद था, डिस्प्ले खराब हुआ था, तेरा फोन का डिस्प्ले दलाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं तेरे, तो साले तू मेरी हेल्प करेगा रे साले, डिस्प्ले बनाने से कह रहे तू परसों तो डिस्प्ले बना के मोबाइल ऑन करा तू, फिर उसके बाद में कॉल आ कर रहा, फिर हैदराबाद का दौरा करने से पहले तू तेरा मोबाइल ऑन हुआ तेरा, उसके बाद में फिर आया तू, और उसको दौरा नहीं बोलते रे चूतिए, खाली आके घूम के चले गया बोलते इसको। सॉरी भाई किसी को बुरा लग रहा मेरी गाली से तो, लेकिन ऐसे सालों को देना जरूरी है गाली, इसका बाइकॉट करो आप सब। अगर आज के बाद तू हैदराबाद के MIM के MLA हो या तेलंगाना के कौन से भी MLA लीडर्स को अगर कॉल करा, तो तू एक निजामुद्दीन खादरी की औलाद नहीं, तू RSS की औलाद है, तू RSS की औलाद है तू, जो महाराष्ट्र में नागपुर में सवाल नहीं करके हैदराबाद तेलंगाना में सवाल कर रहा तू, इसलिए तू गांडू की औलाद है, वहां सवाल नहीं कर सकता, वहां दम नहीं है, इसलिए हैदराबाद में सवाल कर रहा तू। तो यही बोलूंगा भाई, मैं MIM का दुश्मन नहीं हूं भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबका MIM का ही वोटर हूं मैं, बस उनसे सवालात करा, बस वो सवालात मेरे इनको गलत लगे होंगे, अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर गलत लगे तो वो आके भी मुझे बोल सकते थे, वो पर्सनली मेरे से मिल के बोल सकते थे, वो भी आके तमाशा कर दिए, ऐसा हमारा भी तमाशा हुआ, हम भी उनका तमाशा करना नहीं चाहे, हम भी सवाल करें भाई। पहली बात तो हम असद साहब से और अकबर साहब से हो या फिरोज साहब से हो, अंजदुल्ला खान से, हम सब अपने मुस्लिम लीडर से खास तौर पर सबसे मोहब्बत रखने वाले, सबसे पहले हम एक मुसलमान हैं, आदमजाद हैं, हम सबसे मुसलमान से हम मोहब्बत से ही रहते हैं। असद साहब के लिए भी लड्डू यादव गलत अल्फाज इस्तेमाल करा तो हम उसको भी जवाब दिए, हम कालू सिंह को भी जवाब दिए, हम अगर हम असद साहब को नहीं चाहते तो उसको भी जवाब नहीं देते थे। बस कुछ लोग अपनी जातियत के लिए
एमआईएम का दुश्मन बता रहे हैं भाई। भाई वैसा नहीं है, मैं एमआईएम का वोटर हूँ और दुश्मन नहीं हूँ। और हमारे एरिया के लोग से ही पूछ लो आप, एमआईएम के बैनर्स में मेरी खुद की भी फोटो है। बस सवालात अलग है, सवाल तो करना हमारा हक है, वो करे थे हम सवाल। और इंशाल्लाह मैं एमआईएम बन के नहीं, हर किसी से सवाल करेंगे। असद साहब को भी कोई बुरा बोला तो उसको भी जवाब देंगे। ये नहीं कि असद साहब को कोई गलत बोलेगा तो हम हंसेंगे नहीं। असद साहब को भी जो कुछ गलत बोलेगा उसको भी जवाब देंगे। और फारिस तेरे को बोल रहा हूँ मैं, हद में रहे साले, हमारे साले हद में रहे। तो असद साहब को जो एक प्री प्लानिंग जो परसों कॉल करा था, उनसे बात करके जो अल्फाज इस्तेमाल करा ना, हद में रहे साले। तो ये औकात नहीं है असद साहब के किसी भी ताल्लुक से बात करने की। एक बार जो कॉल रिकॉर्डिंग पे बात कर लिया था तो वो समझ रहा, अरे हमला कई औकात करे रे, हमला वायरल नहीं करते। सुन आ रहे हिजड़े, वायरल अब कर रहे क्या? आवाम सवाल करना बल्कि कर रहे, हम तेरे से पहले ही करते हम कॉल। मौजम खान साहब हमारे एरिया के एमएलए है, उनके मोबाइल व्हाट्सअप का थे को एक भी अब ये वीडियो में बताता हूँ। मौजम खान साहब से मैं जो बात करता था, जो हमारे एरिया के मसाइल है तो वीडियो सेंड करा दो, उस पर उन्होंने अमल करके वो काम करा देते हमारा। आज तक मैं मौजम खान साहब से बात करा नहीं करा, क्योंकि मैं बात करा तो उन्होंने काम करा देते मेरा, एरिया का जो भी काम है उन्होंने करा देते। ऑन वीडियो डालते रहे मैं। सुना एमआईएम में भी बुरे नहीं है ना, एमआईएम पार्टी बुरी। हम सवाल करें, हम किसी को बुरा नहीं बोले, हम सब मुस्लिम लीडर को चाहते भाई। असद साहब बोल के नहीं, असद साहब, अकबर साहब, अमजदुल्ला खान साहब, फिरोज साहब, सबको चाहते भाई। हम सबसे पहले हम मुसलमान है, उनको भी बुरा बोले तो हम बराबर आगे वाले को भी बुरा बोलेंगे हम। बस भाई मैं हैदराबाद के लोगों को बोलूंगा, इसको गेम फिनिश करो या चूतिए की, इन्हें किसी की हेल्प करे ऐसा रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है, इसकी औकात नहीं है किसी की हेल्प करने के लिए। पहले तो साले तू हैदराबाद में आया तो वो ट्रेन वो ऑटो वाले के पैसे दे दे पहले, 400 रुपए बाकी है। तू जो हेलमेट गाड़ी पे से चोरी कर लिया था तू, वो हेलमेट वापस कर दे। और दारुसलाम की जाके एक फोटो खींच लिया, अरे दारुसलाम को हमला कई बार गए रहे, दारुसलाम में जाते लेकिन हमला ऐसा चैलेंज करके नहीं जाते रहे, हिजड़े बोलते हो सुना रहे हिजड़े। तू चैलेंज करा ना तो दारुसलाम में, वो जुम्मे के दिन गया था तू, जुमेरात को मुमताज खान साहब को कॉल करा, जुम्मे के दिन गया तू, तई दम था तो तू जब दारुसलाम में सब जने अवेलेबल रहते जब जाना था रे तू। हिजड़े हिजड़े बता तू, वो नागपुर के लोगों को और आरएसएस वालों को सिखा, आरएसएस के दल्ले हम लोगों को नक्को सिखा। अल्लाह हाफिज भाई। भाई मैं एमआईएम का दुश्मन नहीं हूँ, बस यही बोलूंगा भाई। मैं सवालात करा, अगर वो सवालात में मेरे किसी से गलती हो गई तो मैं उनसे माफी भी मांगता हूँ भाई। वो बोल के ना, मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, सब रिलीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ मैं, और किसी के भी खिलाफ कोई भी गलत बोले तो उनको भी जवाब देता हूँ मैं, और आगे हमेशा देते रहूंगा मैं। बस कुछ लोग एमआईएम का एक दुश्मन बता रहे, जबकि मैं दुश्मन हूं नहीं, मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ। और हम ये तो भी साला 2020 में हैदराबाद में जब तूफान आया था वाला साला, वो गंदे गंदे पानी या मोहरियों के बहते ने, उसमें भी भय के आगे सवालात कर रहा है। साले पहले नागपुर की गंदगी साफ कर पहले, उसके बाद में यहाँ सवाल कर। वहां कौन रहते रहे? तेरे बाप आ रहे थे क्या? आरएसएस वाले तेरे बाप है? निजामुद्दीन खादिर तेरा बाप नहीं है? पहले उसको बाप मानता तो सबको सवाल कर तू, यहाँ सवाल कर रहा साले। अल्लाह हाफिज। किसी को मेरे बात बुरे लगे तो भाई माफी मांग।